अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रेजी टीवी। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर का यह खिताब हिंदुस्तान में शामिल करने या ख़ुद मुख्तार कश्मीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ाद करवाया था। और यह फ़ैसला आज़ाद कश्मीर की तहरीक आज़ादी शुरू होने से पहले गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की श्रीनगर की रहायशगाह पर 19 जुलाई 1947 के दिन को कर लिया गया था। कश्मीरी कायदीन में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और महाराजा हरी सिंह दो ही ऐसे अशखास थे जिन्होंने 1947 में ख़ुद मुख्तारी का नारा बुलंद किया था, और ये दोनों बाद में हिंदुस्तान के साथ मिल गए थे। और इनकी इस गलती की सज़ा आज तक कश्मीरी कौम भारतीय गुलामी की सूरत में भुगत रही है। यह बात उन्होंने एक तकरीब के दौरान कही। तकरीब से कश्मीर कौंसिल के रुकन अब्दुल खालक वसी, सरदार मोहम्मद अल्ताफ, मौलाना अब्दुलरजाक, नंबरदार असलम खान, सरदार रियाज रोशन, दानिश खान और दीगर मुकर्रर ने भी खिताब किया, जबकि ब्राइट फ्यूचर स्कूल के नन्हे मुन्ने तलबा ने मुख्तलिफ रंग बरंग प्रोग्राम पेश किए। तहरीक आज़ादी कश्मीर में शहदा की कुर्बानी और मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा तहरीक के आज़ादी के मुख्तलिफ पहलुओं को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया। तकरीब के मेहमान हुसूसी की हैसियत से अपने खिताब में सदर सरदार मसूद खान ने कहा कि ना सिर्फ शेख अब्दुल्ला बल्कि इनके बेटे और के पोते की हुकूमत ने भी कश्मीर पर जुल्म ढाए या जुल्म करने वालों के अलाकार के तौर पर काम किया। ये वो लोग थे जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में चुन चुन कर अलाहक पाकिस्तान के हामियों को कत्ल किया यानी गिरफ्तार करके जेलों में डाला। कश्मीरी नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद को आँखों की बसारत से महरूम करने के वाक़ात इस दौर में हुए जब उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मकबूजा रियासत के हुक्मरान थे, और ये दोनों आजकल अपने आप को तमाम गुनाहों से पाक साफ करके कश्मीर का हमदर्द जाहिर कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को किसी किस्म के नज़रियाती हलफशार में मुबतला हुए बगैर ये ओहद करना चाहिए कि वह अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए वही किरदार अदा करें जो इनके बुज़ुर्गों ने अदा किया था। सरदार मसूद खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान ये ओहद करें कि वो हिंदुत्वा के नज़रिया के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि यह नज़रिया सिर्फ भारत और मकबूजा कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अगर हमने इस तरह का रास्ता ना रोका तो हम सब इसका शिकार होंगे। क्योंकि भारत ने पिछले चंद माह में 18 लाख भारतीय हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर में लाकर आबाद किया है, और वह ये कहते हैं कि कश्मीर और हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो नापाक हैं और उनको वहाँ से निकाले बगैर भारत और कश्मीर पाक नहीं हो सकते। हिंदुत्वा के पैरोकार भी ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को निस्त नबूद और मलिया मेट कर देंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक जोहरी रियासत है और भारत के सामने एक दीवार बनकर खड़ा है। इसलिए आज़ाद कश्मीर के नौजवान हिंदुत्वा के इस सैलाब के सामने बांध बांधने के लिए तैयारी करें और इस लहर का ना सिर्फ रज तब्दील करें बल्कि इसको शिकस्त देने के लिए भी तैयारी करें। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हर रोज़ नौजवानों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि कोई मोहम्मद बिन कासम और हलाल बिन अब्दुल कब कश्मीर की आज़ादी के लिए आएगा, तो इन नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए किसी मोहम्मद बिन कासम और खालिद बिन वलीद की इंतज़ार के बजाय वो ख़ुद मोहम्मद बिन कासम और खालिद बिन वलीद बनकर मकबूजा जम्मू कश्मीर की माओं, बहनों और बेटियों और इज़्ज़त और हुरमत का तहफ़्फ़ुज़ करें। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का तज़किरा करते हुए सरदार मसूद खान ने कहा कि कश्मीरी दुनिया की बहादुर तरीन कौम है जो तन तरह भारत की 9 लाख फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं और पिछले 72 साल से जुल्म व जबर का हर हरबा बर्दाश्त करके भारत के मुकाबले में डटे हुए हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के 80,000 घरानों के 6 लाख शहरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर रोज़ कुर्बानी दे रहे हैं।
और अफवाज पाकिस्तान में शामिल हमारे जवान और ऑफिसर दिफाए पाकिस्तान और दिफाए आज़ाद कश्मीर के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कश्मीरी कौम सोई हुई है या भारत की ताकत के सामने झुक गई है।